कल के बाद दिसंबर महीने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन बिहार में अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में गिरावट का कोई आसार नहीं है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही है। यही हाल अगले एक हफ्ते तक रहने का अनुमान है। एक या दो जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। सुबह के समय में राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के एक या दो स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा एवं राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा या धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही अगले पाँच दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बताते चले आपको, बिहार का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज यानी कि गुरुवार को कैमूर और रोहतास जिलों के एक या दो स्थानों में वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। बिहार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। बताते चले आपको, न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हल्के स्तर का कोहरा पटना और गया में, वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के दौरान धुंध छाया रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।